जालौन से अब खबर। बदमाशों के हौसले बुलंद, ड्यूटी पर तैनात सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार हुआ है। मृतक सिपाही उरई कोतवाली में तैनात था। सिपाही की हत्या के बाद जनपद में हाई अलर्ट है। एसपी ने इलाके की कराई है नाकाबंदी। हत्या करने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई हैं। उरई कोतवाली के हाईवे स्थित गोविंदम चौकी की पूरी घटना सामने आई है। तो मृतक सिपाही उरई कोतवाली में था तैनात। इसी के साथ सिपाही की हत्या के बाद जनपद में हाई अलर्ट। तो एसपी ने इलाके की नाकाबंदी कराई है। तो हत्या करने वाले बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें भी बनाई गई हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज वन इंडिया पर यह तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जालौन से ये पूरी खबर है, जहां उरई कोतवाली के हाईवे स्थित गोविंदम चौकी की ये पूरी घटना है, जहां बदमाशों के धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई हैं, नाकाबंदी कराई गई। एसपी ने इलाके में पूरे नाकाबंदी कराई। घटना हुई है थाना उरई क्षेत्र में, जो हाईवे चौकी है वहां पर। एक बहुत ही दुखद घटना है, जिसमें हमारे पुलिस विभाग के कांस्टेबल श्री भेदजीत सिंह को गोली लगी है और गोली लगने के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें ये पता चला है कि कुछ लड़कों का उन्होंने पीछा करने का प्रयास किया और उसी दौरान उन लड़कों को उन्होंने रोका और वहां से उन्होंने उसमें उसी दौरान गोली चली और गोली इनके सिर में लगी है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। तो उसमें भेदजीत सिंह इस घटना में शहीद हुए हैं और हमारी चार टीमें लगी हुई हैं और हम बहुत ही जल्दी इस घटना का सफल अनावरण करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम कठोरतम कार्रवाई। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मुबीन खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबीन, क्या कुछ जानकारी, देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन अलर्ट है, क्या कुछ अपडेट? जी, मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला उरई कोतवाली थाना क्षेत्र के गोविंदम चौकी का है, जहां पर दो बदमाश एक सिपाही को गोली मारकर हत्या कर देते हैं और उसके बाद मौके पर जनपद के कप्तान इलाज पहुंचते हैं और पूरी घटना की जानकारी करते हैं। जानकारी करने के बाद चार टीमों को गठित किया जाता है, जल्द ही जल्द आरोपियों की तलाश में चार टीमें गठित की जाती है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से कठोर कदम उठाता है, देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया मुबीन, आपका तमाम जानकारी के लिए।